जी हाँ, आइए दोस्तों आपको बताते हैं इस सप्ताह मौसम का हाल कैसा रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की तरफ से जो मौसम समाचार को लेकर अलर्ट निकल कर आ रहा है, कई राज्यों के लिए भारी बारिश की और ओलावृष्टि की चेतावनी अभी भी जारी है। कौन कौन से राज्यों में इस सप्ताह बारिश होने की संभावना है, 23 मार्च 2020 तक का मौसम पूर्वानुमान आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी निकल कर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने का पूर्वानुमान नजर आ रहा। वहीं मैदानी वाले इलाकों में 23 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों झारखंड के अंदर भी आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर भारी बारिश की चेतावनी आ रही है और ओले गिरने की भी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड राज्य के अंदर कई जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है और भारी बारिश की चेतावनी है 3 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका नजर आ रही है। मार्च के महीने में गर्मी के बजाय बारिश देखने को मिल रही है, इसके चलते ठंड भी वापस बढ़ गई है। बेमौसम बारिश से जहां किसानों को फसलों को नुकसान पहुंच रहा, वहीं लोगों की जिंदगी में मुसीबत भी बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर देश के कई राज्यों में फिर से मौसम बिगड़ सकता है और बारिश की संभावना है। आपको बता दें अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का अनुमान निकल कर आ रहा है, जिसके तहत मध्य भारत में बारिश का नया दौर शुरू होगा। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। आंधी तूफान जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के अंदर भी खराब मौसम की स्थिति से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जैसे मंडला, शहडोल, जबलपुर, उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 23, 24 और 25 मार्च तक राजधानी दिल्ली NCR में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है और साथ ही गरज के साथ तेज हवाएं चलेगी। महाराष्ट्र में भी मौसम करवट ले सकता है और अनुमान है कि 21-22 मार्च को फिर से तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के लिए मौसम पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है, जिसके तहत सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की, धुंध छाए रहने की संभावना भी दिख रही है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और इसके चलते अगले 1-2 दिन के अंदर मौसम तो साफ रहेगा लेकिन धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगले 1-2 दिन मौसम साफ रहेगा लेकिन 23, 24, 25 मार्च तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों के अंदर भी दोस्तों भारी बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी मौसम फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तक भी खतरा टला नहीं है और बेमौसम बारिश जो है लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती है और विशेष तौर से उन किसानों की फसलें जो कटाई पर आ रही है वो अपनी फसलों को समेट लें, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उम्मीद है आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट अपडेट आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके स्टेट का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि पर्टिकुलर हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।